हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित द एटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं जो फीबा इंटरनेशनल क्वालिफायर का जो मैच होने वाला है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वर्सेस इवोरी कोस्ट के बीच में ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। तो आपको लास्ट मैच के स्टैट्स, हर एक प्लेयर की जो प्रॉपर डिटेल्स है वो आपको बता दिए जाएंगी, प्लस आपको लाइनअप्स के बारे में, प्रोबेबल लाइनअप्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो गाइस, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब के वीडियो मिलेंगे। और वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, क्योंकि अगर लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो वो सारे अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए बात करते हैं सीधा मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो स्टार्टिंग लाइनअप था लास्ट मैच के लिए। स्टार्टिंग लाइनअप में थे जे डिजिम्ब्राय, ए डोकोसी, ई कैनापामो, बाद में एम कोंग्युअर और लास्ट में जे एंगाफियो, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 76-71 से लॉस किया था लास्ट का मैच। टॉप परफॉर्मर थे कैनापामो 26 पॉइंट्स के साथ, 2 रिबाउंड 37 मिनट्स में। एम कोंग्युअर 8 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड, 4 असिस्ट 35 मिनट्स में। जे डिजिम्ब्राय 7 पॉइंट्स, 11 रिबाउंड, 2 असिस्ट 35 मिनट्स में। ए डोकोसी 13 पॉइंट्स, 12 रिबाउंड, 1 असिस्ट 32 मिनट्स में। एंगाफियो 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट 21 मिनट्स में। बाद में ग्रीवेन जो 10 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 6 17 मिनट्स में। बाद में ओंगो 5 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट 14 मिनट्स में। बाद में यहाँ से आप देख सकते हो एंगोए, बाद में है बाइकोडारी और नंबर एम ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। उसके बाद में थे एंगाफे 2 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 2 मिनट्स में, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इवोरी कोस्ट के बारे में। देख सकते हो स्टार्टिंग लाइनअप में थे इडीगुई एल, फोफाना, केबे एस, कोनाटे, बाद में है डब्लू कोवासी। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 57-56 से लास्ट का मैच विन किया था डब्लू कोवासी थे। 2.6 रिबाउंड, 1 असिस्ट 36 मिनट्स में। एम डैडिएट 15 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट 28 मिनट्स में। एस कोनाटे 2.4 रिबाउंड्स, 26 मिनट्स में। एस डियाबटे 15 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 6 असिस्ट 25 मिनट्स में। वी फोफाना 4 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट 21 मिनट्स में। ईडी लाइंड्री 7 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 20 मिनट्स में। जे केवे ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था 15 मिनट्स में। सीबा 5 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड, 13 मिनट्स में। बिकौलीबाली 3 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 9 मिनट्स। एल कोवाडियो 2.3 रिबाउंड, 2 असिस्ट 9 मिनट्स में। बाद में ए मोलारे 2.4 मिनट्स में। तो गाइस, दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो सीधा हम लोग बात करेंगे टीम के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ से मैंने पिक किया एम डियाबटे को, ठीक है। बाद में यहाँ से गाइस मैंने पिक किया ए जूलियन डोकोसी। गाइस, इसके लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेस पे इसको मैंने पिक किया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एस कोनाटे, लास्ट मैच इतना परफॉर्मेंस नहीं किया था अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तो गाइस, सिलेक्शन कम है इसका, अगर आप डिफरेंशिएट कुछ करना चाहते हो तो यहाँ कोई आपके लिए क्रेडिट इशू नहीं है। एस कोनाटे के साथ आप जा सकते हो, सेफ रहने वाला ए जूलियन, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस कोनाटे अगर ग्रैंड लीग में आपको ज़रूर ट्राई करना है, स्मॉल लीग में अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया प्लेयर है गाइस। उसके बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया जी ईडी को, ठीक है। यहाँ से आपके लिए जे केबे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जो भी स्टार्ट करेगा आपके लिए इवरी कोस्ट के लिए। एम कोंगवर को मैंने पिक किया है, वी वोफाना को पिक किया है, ई गंगापापो को मैंने यहाँ से पिक किया है, तीनों ने स्टार्ट किया था अपने अपने टीम के लिए। उसके बाद में पीएफ सेक्शन से मैंने यहाँ से पिक किया है बी कौलीबाली के। हाइस गाइस, बढ़िया प्लेयर है, लास्ट मैच खेला नहीं था इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया। अगर ये मैच में ये खेलता है, स्टार्टिंग लाइनअप में रहेगा, तो इसको आपको ज़रूर पिक करना है। उसके बाद में गाइस सेंटर से मैंने यहाँ से पिक किया है जे डिजिम्ब्राय को। सी बाह आपको यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे, जे क्रिबेंगो आपको दिखेंगे, जे कोवासी दिखेंगे। सेफ पिक होने वाला है जे डिजिम्ब्राय जो आपको स्टार्ट करेगा। टीम प्रीव्यू की बात करेंगे तो एसपी मैंने किया है डीएफटी को, पीपी मैंने किया है कोंगवरे को। लास्ट मैच के अगर परफॉर्मेंस के साथ जाओगे तो पीपी के लिए ई गंकापामो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। फोफाना को ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करना, एसपी और पीपी। तो ये होने वाला टीम का प्रोबेबल कॉम्बिनेशन मेरा। अगर लाइनअप की बात कोई चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है, सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो एज पर फाइनल जो लाइनअप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर टाइम पे आती है तो उस हिसाब से आप आपके फाइनल टीम में चेंजेस जरूर कर सकते हो। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।